हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल विलम। तो अभी हाल ही में आपका ओलंपिक्स गेम ख़त्म हुआ है, तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये वीडियो में हम लोग परफॉर्मेंस ऑफ इंडियंस इन ओलंपिक गेम्स में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओलंपिक्स। सो ओलंपिक्स में आपका इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेटेड एट द ओलंपिक्स गेम्स इन 1900। दैट मीन्स 1900 में इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक गेम्स में। सो इंडिया इसके हिसाब से इंडिया आपका फर्स्ट नेशन भी हो जाता है टू विन द मेडल इन ओलंपिक्स, जो मेडल आपका नॉर्मन पिचार्ड ने जीता था। तो फर्स्ट मेडल इन्होंने ही लाया था। ये एक ब्रिटिश इंडियन थे जो एक एथलीट थे और आपका एक एक्टर भी थे। टू सिल्वर मेडल इन एथलेटिक्स एट द 1900 समर पेरिस ओलंपिक रिप्रेजेंटिंग इंडिया 200 मीटर एंड आपका 200 मीटर हर्डल्स में भी। फिर उसके बाद आपका आया, देन उसके बाद इंडिया फर्स्ट सेंट अ टीम टू समर ओलंपिक गेम्स इन 1920 टू पार्टिसिपेट इन वेरियस इवेंट्स, देन पार्टिसिपेटेड विंटर ओलंपिक्स बिगिनिंग इन 1964। दैट मीन्स देन उसके बाद इंडियन ने एक टीम को समर ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा एंड इन 1947 में विंटर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था इंडिया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड जाते हैं। सो इन नेक्स्ट स्लाइड हम लोगों का फर्स्ट पॉइंट है, टिल डेट इंडियन एथलीट्स हैव ओन 35 मेडल्स एट ऑल द समर गेम्स। दैट मीन्स टिल डेट इंडियन एथलीट्स पूरा आपका 35 मेडल्स इंक्लूडिंग आपका 2020 टोक्यो ओलंपिक पूरा जीता है। और यहाँ पे आपका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये 35 मेडल्स सारे के सारे आपका समर ओलंपिक्स में ही इंडियंस ने जीते हैं। अभी तक विंटर ओलंपिक्स में भी कुछ भी अभी तक हम लोगों के हाथ नहीं लगा है। सो सेकंड पॉइंट है, अर्लियर इंडियन नेशनल फील्ड हॉकी टीम वाज डोमिनेंट इन ओलंपिक कंपटीशन। दैट मींस पहले आपका इंडियंस का जो हॉकी टीम था वो आपका एक बहुत ही बड़ा डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा था ओलंपिक्स में। 12 ओलंपिक में आपका इंडियंस ने 12 ओलंपिक्स में 11 मेडल्स जीते हैं 1928 से लेकर 1980 तक। फिर उसके बाद 1928 से 1956 से लेकर ये जो टाइम पीरियड है इसके अंदर 8 गोल्ड मेडल्स इन टोटल एंड 6 सक्सेसिव मतलब लगातार, पूरा लगातार 6 गोल्ड मेडल्स हम लोगों का इंडियन का जो हॉकी टीम है उसने जीता है। देन उसके बाद दराबजी टाटा जो थे वो उस टाइम के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। तो वो उस टाइम के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। फिर उनके अलावा और एक है गवर्नर ऑफ बॉम्बे, उस टाइम के गवर्नर ऑफ बॉम्बे थे जॉर्ज लॉयड, जो आपका हेल्प किए थे बहुत ज़्यादा ही, दोनों मिलके हेल्प किए थे इंडियंस को एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन देने के लिए ओलंपिक्स में, जहाँ पे अभी तक इंडिया जो जा रहा था वो आपका एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन इंडिया का नहीं था, वहाँ पे आपका इंडिया ब्रिटिश के अंडर पे खेल रहा था। लेकिन अभी से क्या होगा, इंडिया का एक स्पेशल सेपरेट रिप्रेजेंटेशन होगा। तो इसके लिए ये दराबजी टाटा और गवर्नर ऑफ बॉम्बे इन दोनों ने बहुत कुछ काम किए थे। देन लास्ट इज योर 1923 अ प्रोविजनल ऑल इंडिया ओलंपिक कमिटी वॉज फॉर्म्ड। दैट मीन्स प्रोविजनल मतलब हम सबको पता है, प्रोविजनल मतलब एक टेम्पररी एक आपका ऑल इंडिया ओलंपिक कमिटी फॉर्म किया गया। क्या ये सब समझने के लिए, क्या डेवलपमेंट किया ओलंपिक गेम्स में, कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, डेवलपमेंट कैसे होगा, ये सब आपका डिस्कशन करने के। देन इन फेब्रुअरी 1924 द ऑल इंडिया ओलंपिक गेम्स बिकेम द नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया टू सिलेक्ट अ टीम फॉर 1924 समर ओलंपिक्स। दैट इज़ द थर्ड टाइम इंडिया पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक्स। दैट मीन्स ऑल इंडिया ओलंपिक गेम्स ये आपका एक प्रोविजनल ऑल इंडिया ओलंपिक कमिटी के अंडर एक
ब्रांच था, जो ब्रांच में आपका क्या था, नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया एक फॉर्म किया गया। तो ये नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया, ये इसका काम क्या था, इसका फंक्शन क्या था, जो सब ऑल इंडिया से ये लोग क्या कर रहे थे ना, सिलेक्ट कर रहे थे इंटरनेशनली कौन सा टीम हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, वो सब सिलेक्ट करके समर ओलंपिक्स जो हुआ आपका 1924 में, वो समर ओलंपिक्स में सेंड किया गया। इससे पहले क्या हो रहा था कि ऐसे ही आपका एक जाके ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, कुछ एक प्रोसेस में नहीं हो रहा था, कुछ एक प्रॉपर ये में नहीं हो रहा था, प्रोसेस में नहीं हो रहा था। तो उसके बाद सब कुछ प्रोसेस में होने लगा। फिर उसके बाद सेकंड आया 1927, द प्रोविजनल इंडियन ओलंपिक कमेटी फॉर्मली बिकेम इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। जो प्रोविजनल था, जो टेम्परेरी एक इंडियन ओलंपिक कमेटी फॉर्म किया गया था, ये फॉर्मली ऑफिशियली आपका क्या हो गया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हो गया। तो फिर इसका थ्री मेन फंक्शन है, थ्री मेन फंक्शन इसका काम, पर्टिकुलर इसका काम क्या था आपका हो गया, टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स आपका कैसे डेवलपमेंट हो सकता है, आपका कैसे इंडिया का पार्टिसिपेशन और ज़्यादा हो सकता है, ये सब समझने के लिए ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर्म किया गया था। सेकेंड इज योर चूज होस्ट सिटीज फॉर द नेशनल गेम्स। नेशनल गेम्स जो कुछ भी उस टाइम के हो रहे थे वो सब के लिए इंडियन सिटीज, तो इंडिया में तो बहुत सारे सिटीज़ हैं, तो वहाँ पे कौन से सिटीज़ में होस्ट किया जाएगा इंडियंस का परफॉर्मेंस, ये सब कुछ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ही कर रहे थे। फिर उसके बाद थर्ड इज योर सेंड टीम सिलेक्टेड फ्रॉम नेशनल गेम्स टू समर ओलंपिक्स। दैट मीन्स नेशनल गेम्स जो सिलेक्ट किए थे, नेशनल गेम्स का काम आपको पहले ही आप जान चुके हैं, नेशनल गेम्स का काम था कि वो टीम सिलेक्ट करेगा जो इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको सेंड करने का काम किसका था, सेकेंड आपका सेंड करने का काम था इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का। तो ये सब होने के बाद क्या हुआ ना, फिर इंडियंस का, हम लोगों का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा धीरे धीरे इंक्रीज़ हुआ। 1948 में समर ओलंपिक्स द इंडियन फील्ड हॉकी टीम ओन गोल्ड बाय डिफीटिंग ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन आप लोगों को सबको पता होगा, ब्रिटिशर्स ने कैसे हम लोगों के ऊपर ये किया था, ब्रिटिशर्स के रूल्स के अंडर हम लोग थे। लेकिन उस टाइम पे आफ्टर इंडिपेंडेंस पहली बार क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को हमारे इंडियंस ने हरा दिया इन हॉकी, इन आवर ओलंपिक गेम्स, समर ओलंपिक गेम्स जो हुआ था 1948 में। 1947 में आपका हो गया इंडिपेंडेंस, फिर उसके बाद 1948 में इंडियंस ने हरा दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, इट वाज ए गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो पहली बार एज एन इंडिपेंडेंट नेशन मीन्स आज़ादी के बाद ये आपका फर्स्ट गोल्ड मेडल होगा जो इंडियंस ने हम लोगों को आज गिफ्ट दिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1952 समर ओलंपिक्स में रेसलर के डी यादव ने ओन वन इंडिविजुअल मेडल, दैट इज अ ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए फर्स्ट आपका जो हॉकी टीम था वो तो एक आज टीम आपका लाया, जो मेडल लेके आए हैं, लेकिन ये फर्स्ट इंडिविजुअल है जो केडी यादव है, 1952 समर ओलंपिक्स में इन्होंने फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाए थे। फिर सेकंड इज योर 1960 समर ओलंपिक्स में हॉकी टीम लॉस्ट फाइनल मैच फ्रॉम पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से हार गए इंडिया, लेकिन हारने के बाद भी उन्होंने, इंडियंस ने आपका सिल्वर मेडल तो लाया ही लाया। फिर उसके बाद 1964 समर ओलंपिक्स में हॉकी गोल्ड मेडल, फिर उसके बाद और एक गोल्ड मेडल आपको आया। देख रहे हो आपका कैसा परफॉर्मेंस इंडियंस का, कितना बहुत ही अच्छा था। टोक्यो ओलंपिक्स में इसका कुछ भी नहीं है, तो इतना अच्छा था आपका हॉकी का परफॉर्मेंस इन अर्लियर स्टेज। देन उसके बाद क्या हुआ, 1968 एंड 1972 समर ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडल, फिर उसके बाद हॉकी टीम, हम लोगों के हॉकी टीम लाया ब्रॉन्ज मेडल 1968 में भी एंड 1972 में भी। फिर उसके बाद 1980 समर ओलंपिक्स एथ रिकॉर्ड ओन गोल्ड, मीन्स ये एथ वा टाइम आपका
इंडियन हॉकी टीम आपका ला रहा था गोल्ड मेडल। देन 1996 समर ओलंपिक्स हेल्ड इन अटलांटा, टेनिस प्लेयर लैंडर पेस ओन ब्रॉन्ज मेडल एट द मेन सिंगल इवेंट। दैट मीन्स इन 1996 समर ओलंपिक्स में अटलांटा टेनिस प्लेयर अटलांटा में वो एक टेनिस प्लेयर हम लोगों के इंडियंस के रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। टेनिस प्लेयर एक थे लैंडर पेस जो ब्रॉन्ज मेडल आए थे इन मेंस सिंगल इवेंट में। फिर उसके बाद इन 2000 सिडनी ओलंपिक्स टू टाइम वर्ल्ड चैम्पियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट कर्णम मलेश्वरी ओन ब्रॉन्ज मेडल इन मेंस 69 kg वेट लिफ्टिंग कैटेगरी फर्स्ट वुमेन टू गेट ओलंपिक मेडल। तो ये फर्स्ट वुमेन आपका हो गए जो ओलंपिक में मेडल्स जीत के लाए इन वुमेन्स 69 kg वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में। फिर उसके बाद आपका आया 2004 एथेन ओलंपिक में। तो एथेन ओलंपिक आपका हुआ तो वहाँ पे राज्यवर्धन सिंह राठौर इन्होंने जीता आपका एक सिल्वर मेडल इन मेंस डबल ट्रैप शूटिंग में। मेंस डबल ट्रैप शूटिंग। देन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इन 2008 बीजिंग में जो आपका ओलंपिक हुआ वहाँ पे अभिनव बिंद्रा ओन गोल्ड इन मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट फर्स्ट इंडियन टू ओन गोल्ड। तो अभिनव बिंद्रा वहाँ पे 2018 में बन गए हम लोगों का फर्स्ट इंडियन इंडिविजुअल जो आपका गोल्ड जीत के लाए हैं हम लोगों के इंडिया के लिए। देन सुशील कुमार ओन द ब्रॉन्ज मेडल इन रेसलिंग। विजेंद्र सिंह गॉट द कंट्रीज फर्स्ट बॉक्सिंग मेडल ब्रॉन्ज इन मिडिल वेट कैटेगरी। दैट मीन्स सुशील कुमार आपका जो है उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था रेसलिंग में और विजेंद्र सिंह जो है ये बन गए आपका फर्स्ट बॉक्सिंग मेडल इन्होंने लाए फर्स्ट बॉक्सिंग मेडल ब्रॉन्ज ही लाए लेकिन इन मिडिल वेट कैटेगरी में। देन इन 2012 समर ओलंपिक्स लंदन सुशील कुमार बिकेम द फर्स्ट इंडियन विथ मल्टीपल इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल ब्रॉन्ज एट 2008 एंड सिल्वर एट 2012 सिंस इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के बाद जितना भी गेम हुआ था जितना सब इंडियंस सब जीते थे वहाँ पे आपका मल्टीपल टाइम्स सुशील कुमार ने जीते थे फर्स्ट इन ईयर 2008 ब्रॉन्ज में एंड 2012 सिल्वर में आफ्टर इंडिपेंडेंस। देन आपका साइना नेहवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीते थे इन बैडमिंटन इन वुमेन्स सिंगल फर्स्ट वुमेन टू विन इन बैडमिंटन। तो बैडमिंटन में फर्स्ट वुमेन साइना नेहवाल ही है जिन्होंने आपका ब्रॉन्ज मेडल जीत के हमारे इंडिया को प्राउड फील किया है करवाया है। देन इज योर मेरी कम आपका बन जाती है फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन मेडल इन बॉक्सिंग। बॉक्सिंग में ये फर्स्ट इंडियन वुमेन हैं जिन्होंने मेडल जीत के लाए थे। इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीते थे एंड इन वुमेन्स फ्लाई वेट डिविजन में जीते थे। देन विजय कुमार ओन सिल्वर इन शूटिंग इन मेन्स 25 मीटर रैपिड फायर पिस्तौल। दैट मीन्स विजय कुमार ने आपका सिल्वर मेडल जीते थे इन शूटिंग इन मेन्स 25 रैपिड फायर पिस्तौल के डिवीज़न में। सुशील कुमार सिल्वर जीते थे इन रेसलिंग में ऑल्सो रेसलिंग इन मेन्स फ्री स्टाइल में सुशील कुमार आपका फिर रेसलिंग में भी जीत के मेडल लाए थे सिल्वर मेडल। देन इज ऑन गगन नारंग उन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन मेन्स 10 मीटर एयर राइफल में। देन आपका रियो समर ओलंपिक स्टार्ट होता है इन 2016 में जहाँ पे ब्राज़ील में होता है रियो ओलंपिक्स जहाँ पे आपका 118 एथलीट आपका पार्टिसिपेट करते थे कंपीट करते हैं इंडियन से। देन साक्षी मलिक जो रियो ओलंपिक में बिकेम फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन ओलंपिक मेडल विथ हर ब्रॉन्ज इन वुमेन्स फ्री स्टाइल
158 केजी कैटेगरी में, देन साक्षी मलिक आपका बन जाती है रियो ओलंपिक में ही और फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर जिन्होंने विन किया ब्रॉन्ज मेडल के साथ। देन उसके बाद पीवी सिंधु आज तक के आपका यंगेस्ट इंडियन ओलंपिक मेडलिस्ट है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था बैडमिंटन सिंगल में। तो ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं हु इज़ द यंगेस्ट इंडियन ओलंपिक मेडलिस्ट। चलिए बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक्स के बारे में। तो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 जो 2021 में हुआ ड्यू टू कोरोना, उसका मोटो था आपका यूनाइटेड बाय इमोशंस। तो 2020 टोक्यो ओलंपिक्स ओपनिंग डेट 23 जुलाई 2021 to 8 अगस्त इसके अंदर ही हुआ था। इट इज़ ओपन बाय एम्पायर नारुहितो। सो इंडियन एथलीट टू कम्पीट, टोटल इंडियन एथलीट जिन्होंने भाग लिया था इस गेम में 127 एथलीट टोटल इंडिया से थे। एंड ये जो 127 एथलीट थे ये अराउंड आपका 18 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन के अंदर ही थे। तो 18 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन आपका इंक्लूड करता है आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, फेंसिंग, टेनिस, जिमनास्टिक, रेसलिंग एक्सेट्रा, और भी बहुत कुछ है, हमने बस इतना ही यहाँ पे इंक्लूड किया है। फिर बात करते हैं इंडिया टोटल आपका मेडल जीता है, 7 मेडल जीता है इन टोक्यो ओलंपिक में। तो 7 मेडल में से आपका 1 गोल्ड में है जो हम सबको पता है, देन 2 सिल्वर, देन एंड 4 ब्रॉन्ज में है। तो फर्स्ट गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने जीता है इन मेंस जैवलिन थ्रो और टोक्यो ओलंपिक जैवलिन थ्रो में, उनका फर्स्ट आपका गोल्ड मेडल हुआ है। देन सेकंड इज़ और सिल्वर मेडल आपका 2 जन ने जीता है, फर्स्ट इज़ आवर मीराबाई चानू जो वेट लिफ्टिंग में जीते हैं एंड रवि दैया जो रेसलिंग में जीते हैं। देन ब्रॉन्ज मेडल आपका 4 जन ने जीते हैं, फर्स्ट इज़ और पीवी सिंधु जो आज सटलर में जीते हैं, देन लवलीना बोरोघैन जो बॉक्सिंग में जीते हैं, बजरंग पुनिया जो रेसलिंग में जीते हैं, एंड हमारे मेंस हॉकी टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल ही जीते हैं। सो मीराबाई चानू आपका फर्स्ट इंडियन हो जाते हैं टू विन द मेडल एट टोक्यो ओलंपिक 2020 विथ हर सिल्वर इन वोमेंस 49 kg कैटेगरी में, और उनका इन्होंने ही हमारा फर्स्ट मेडल दिलवाया है इन टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो एक सिल्वर मेडल था। देन ब्रॉन्ज मेडल हमारा पीवी सिंधु जी ने अन इंडियन टू गेट सिल्वर एट टोक्यो ओलंपिक 2020 सेकेंड मेडल इन्होंने जीते हैं। ब्रॉन्ज इन बैडमिंटन वुमेंस, तो ये बैडमिंटन गेम से रिलेटेड हैं, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन से स्पोर्ट्समैन कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो ये सब याद रखना चाहिए। देन इन्होंने बीट किया था, मीन्स हराया था आपका चाइनाज ही बिंग जियो को, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देन से इज बिकमिंग फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 इंडिविजुअल मेडल्स एट द ओलंपिक, मीन्स ओलंपिक में इन्होंने इंडिविजुअल मेडल में 2 मेडल जीते हैं, फर्स्ट इंडियन वुमेन हो रहे हैं ये। देन आपका हॉकी टीम विन एट टोक्यो ओलंपिक 2020 आफ्टर 41 ईयर, तो 41 ईयर के बाद आपका हॉकी टीम ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। देन आपका नवलीन बोरोघैन ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं वो। देन आते हैं आपका रेसलर रवि दैया जिन्होंने फाइनल्स में जाके मेंस फ्री स्टाइल 57 kg अगेंस्ट कजाकिस्तान नूरी इस्लाम सनायव के अगेंस्ट जाके जीते हैं, और जिन्होंने ही क्लींस्ड इंडियाज सेकेंड सिल्वर मेडल एट टोक्यो ओलंपिक। तो सेकेंड सिल्वर मेडल इन्होंने ही जितवाया है, क्लींस्ड मतलब निर्णय किया है इन्होंने इंडिया का पोजीशन आपका वर्ल्ड वाइड में निर्णय किया है। फिर आता है बजरंग पुनिया जिन्होंने अगेंस्ट कजाकिस्तान दौलत न्याज बेकॉन इन्होंने अर्न किया है 6th मेडल इंडिया के लिए। देन आते हैं नीरज चोपड़ा जो सेकेंड इंडियन टू विन इंडिविजुअल ओलंपिक गेम, फर्स्ट हम लोगों का अभिनव बिंद्रा जी हो रहे हैं, देन सेकेंड आपका नीरज चोपड़ा जी जिन्होंने सेकेंड इंडियन है जो इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड जीत के लाए हैं।
सो इतना था हम लोगों का वीडियो आज के लिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. इसको प्लीज़ आप लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए. अगर आपका कुछ डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं. हम लोग नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेंगे डाउट को क्लियर करने के लिए. एंड प्लीज़ शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, दोस्त के साथ. इससे क्या होता है कि हम लोगों को सपोर्ट मिलता है. हम लोग ऐसे अच्छे अच्छे नए नए वीडियोज़ लाते रहेंगे. सो प्लीज़ सपोर्ट अस एंड लाइक एंड सब्सक्राइब अस.